आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केस को लिस्टिंग कर दिया गया है। कल निश्चित रूप से हमारा डिसीजन आ जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। पहले केस हुआ था जो साक्षरता परीक्षा मामले में 13, 14, 15। बिहार में इन दिनों नियोजित शिक्षकों का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के द्वारा सरकार के खिलाफ चुनौती दी गई थी, इसको लेकर लगातार 3 दिनों तक सुनवाई चली थी। ऐसे में देखा जाए तो 15 तारीख को सुनवाई खत्म होने के बाद मामले को रिजर्व रख लिया गया था। अब जाकर इसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए कल जो है कहीं ना कहीं फैसला आएगा। ऐसे में पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कहीं ना कहीं फैसला सुनाएंगे। देखिए रिजर्व मामला को रख लिया गया था और ऐसे में नियोजित शिक्षक लगातार इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब उनके हित में फैसला आएगा। बड़ा यह सवाल है कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षक कई सारी मांगे कर रहे हैं, उनकी मांगों को क्या पूरा कर दिया जाएगा, क्या कोर्ट उन लोगों के हित में फैसला सुनाएगी, बड़ा सवाल। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ जहां नियोजित शिक्षक अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, दूसरी तरफ सरकार भी अड़ी हुई है, ऐसे में सरकार ने कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के हित में देखा जाए तो कई सारे छूट भी दिए हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों को ऐसा कहना है कि ऐच्छिक स्थानांतरण जो है खासकर उनके हित में होना चाहिए। ऐसे में जिस जिला में वो रहते हैं, जिस जिला के निवासी हैं, जिस जिला में पढ़ाते थे, उसी जिला में उनको कहीं ना कहीं पोस्टिंग दिया जाए। ऐसे में देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों को लेकर कल सुनवाई होनी है। बताइए चले आपको कि मामले को रिजर्व रख लिया गया था और ऐसे में लगातार यह कहा जा रहा था नियोजित शिक्षकों के द्वारा कि जल्द से जल्द सुनवाई होगी। ऐसे में मामला जो है वो देखा जाए तो काफी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन कल इसकी सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला होगा आपको बताएंगे। लगातार लाखों लाख शिक्षकों के हित का सवाल है और नियोजित शिक्षक काफी परेशान चल रहे हैं। 2 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का विरोध किया था, तो वहीं 2 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया था। जिस तरीके से बीते दिनों रिजल्ट आया उसमें देखा जाए 90% से ऊपर जो नियोजित शिक्षक है जो रिजल्ट आया उसमें पास करते हुए नजर आए। ऐसे में कुछ ही जो नियोजित शिक्षक है वो कहीं ना कहीं किसी कारण बस छटते हुए नजर आए। ऐसे में कुछ नियोजित शिक्षकों का बयान सामने निकल के आया था, जहां पर नियोजित शिक्षकों ने साफ कहा था कि जिस तरीके से परीक्षा है ऑनलाइन मोड में ली गई थी, इसी वजह से परेशानियां हुई, इसी वजह से कुछ परसेंट शिक्षक छाटे गए। लेकिन देखा जाए तो जो नियोजित शिक्षक 90% से ऊपर पास किए हैं उनका यह साफ कहना था कि हम योग्य हैं और अपनी योग्यता को हमने दर्शाया है। ऐसे में केशव जो प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के इंतजार की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केस को लिस्टिंग कर दिया गया है। कल 2 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट में जो पहले केस हुआ था जो साक्षरता परीक्षा मामले में 13, 14, 15 मार्च को सुनवाई हुई थी और जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था उसका डिसीजन कल 2 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवा दिया जाएगा। केस लिस्ट पर चढ़ गया है। अब सभी अपने आराध्य देव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे पक्ष में आए और कल निश्चित रूप से हमारा डिसीजन आ जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि शिक्षकों के हित में आएगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। तो आपने सुन लिया प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के केशव कुमार ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से फैसला को रिजर्व रख लिया गया था, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लिस्टेड हो गया है और उसका फैसला कल सुनवाया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ सुनवाई होगी, जो भी फैसला का सुनवाई होगा वो आपके पास हम पहुंचाने का काम करेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।